तालिका जितने भी संज्ञा सूत्र है उन संज्ञा सूत्रों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इत संज्ञा। इत संज्ञा है क्या? लोप योग के स्वर व्यंजन अथवा स्वरयुक्त व्यंजन का निर्धारण करने वाली संज्ञा इत संज्ञा कहलाती है, और जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसे इत संज्ञक अथवा अनुबंध कहा जाता है। इत संज्ञा करने वाले नियम को इत संज्ञी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब पहला सूत्र कौन सा है? अनंत। उपदेश अवस्था संज्ञक शिव सूत्र धातु प्रत्यय आगम आदेश अनादि गण लकार इनमें अगर कोई लोप योग के अंतिम व्यंजन आ रहा है तो उसकी संज्ञा किस सूत्र से होगी? उपदेश अवस्था संज्ञक में अगर कोई लोप योग के स्वर वर्ण है चाहे वो अनुनासिक हो चाहे निरुनासिक हो तो उसकी संज्ञा किस सूत्र से होगी? अच्छा, तद्धित पत्रों को छोड़कर अन्य किसी उपदेश अवस्था संज्ञक के प्रारंभ में लय व्यंजन ताल पे से व्यंजन या के वर्ग का कोई व्यंजन आ रहा है तो उसकी इत संज्ञा किस सूत्र से होगी? इसी तरह से प्रारंभ में चे वर्ग या टे वर्ग का कोई लोप योग व्यंजन है तो उसकी इत संज्ञा किस सूत्र से होगी? अच्छा, धातु के प्रारंभ में इंगी टू या डू वर्ण आ रहे हैं तो उनकी इत संज्ञा लोप योग के इंगी टू और डू वर्ण की इत संज्ञा किससे होगी? आदि इंगी टू डबे सूत्र से। और तद्धित प्रत्यय के प्रारंभ में अगर मूर्धन्य से आ रहा है तो उसकी इत संज्ञा किस सूत्र से होगी? अब देखिए इत संज्ञा करने वाला वार्तिक कौन सा है? इत संज्ञा वक्तव्य। बोलो बोलो कौन सा है? इत संज्ञा वक्तव्य। मनीषा कौन सा है वार्तिक? इत संज्ञा वक्तव्य। इत संज्ञा वक्तव्य कहता है चतुर और द्वितीय धातु के अंत में जो इर आएगा, क्या आएगा? जो इर आएगा उस इर की ये क्या कर देगा? इत संज्ञा कर देगा। और फिर उसके बाद देखिए एक चीज और ध्यान रखिए कि लोप करने वाला जो सूत्र होगा वो कौन सा है आपका? तस्य लोप। इत संज्ञक का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है? लेकिन लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? आदर्श सूत्र। दोनों में अंतर क्या है? जिसकी इत संज्ञा हो चुकी है उसका लोप कौन सा सूत्र करेगा? तस्य लोप। लेकिन लोप हुआ अथवा नहीं हुआ इसकी पक्की सूचना हमें किस सूत्र से मिलेगी? आदर्श सूत्र। अतः लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? आदर्श सूत्र। और लोप इत संज्ञक का लोप किस सूत्र से होता है? तस्य लोप। ये धन्य तो मैं लिख दूंगा आगे भी। तो इत संज्ञक का लोप करने वाला सूत्र इत संज्ञक का जो लोप करता है वो सूत्र कौन सा है? तस्य लोप। यस्य इतः तस्य लोप। जिसकी इत संज्ञा हो चुकी है उसका लोप हो जाएगा। और आदर्शन लोप में क्या कहता है? प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञा से जो विद्यमान ध्वनि सुनाई नहीं दे रही दिखाई भी नहीं दे रही मौखिक रूप से सुनाई नहीं दे रही और लिखित रूप से दिखाई नहीं दे रही उसका निश्चित रूप से क्या हो चुका है? लोप हो चुका है। तो आदर्शनम लोप सूत्र कैसा है? आदर्शनम लोप सूत्र कैसा है? लोप संज्ञा करने वाला सूत्र। एक चीज और समझ लो कि मुनित्रय परंपरा में आदर्शनम पद का अर्थ अश्रवण माना गया है। क्यों? क्योंकि ध्वनि या शब्द किसका विषय है? कर्णों का। और व्याकरण का पर्यायवाची किसको माना जाता है? शब्दानुशासन। व्याकरण का पर्यायवाची शब्दानुशासन। अच्छा एक चीज और समझिए यहाँ देखिए सहेता या प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? आदि अंतेन सह इतः। यदि किसी माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र के प्रारंभिक वर्ण के साथ अंतिम इत संज्ञक व्यंजन को जोड़ दिया जाएगा तो इस प्रकार जो संक्षिप्त स्वरूप बनेगा उसे प्रत्याहार माना जाएगा। पाणिनि के मतानुसार सैद्धांतिक दृष्टि से प्रत्याहार कितने? 42। अच्छा और भट्टोजी दीक्षित और भरतराज के अनुसार कितने हैं? व्यवहारिक दृष्टि से 44, जिसमें रय और क्षय प्रत्याहार को भी शामिल किया गया। लेकिन मान्यता नहीं थी नागेश भट्ट ने दोनों की, क्योंकि रय प्रत्याहार की तो रचना विधि अनुचित है और क्षय प्रत्याहार और रय प्रत्याहार दोनों का ही पाणिनि के किसी सूत्र में प्रयोग नहीं। भट्टोजी दीक्षित और वरदराज कहते हैं कि भाई पुराण अपने सूत्र में रय प्रत्याहार का प्रयोग है, लेकिन नागेश भट्ट इस बात को स्वीकार नहीं करते। और रय प्रत्याहार की प्रथम व्याख्या करने वाला विद्वान है कैयट। क्या नाम है? अच्छा वासुदेव दीक्षित के बाल मनोरमा ग्रंथ में प्रत्यारोह की संख्या 43 अर्थात 43 मानी गई है। क्यों? क्योंकि वो वर्गीय पंचम वर्ण का बोध कराने वाले यम प्रत्याहार को भी उसमें शामिल करते हैं, लेकिन जो वर्गीय पंचम वर्ण का बोध कराने वाला यम प्रत्याहार है उसका भी पाणिनि किसी सूत्र में प्रयोग नहीं है। जिस तरह कहते हैं दुल्हन वही जो किया मन भाए और प्रत्याहार वही जो पाणिनि के सूत्र की रचना में पाया जाए, तो सैद्धांतिक दृष्टि से प्रत्याहार उसे ही मानेंगे जिसका पाणिनि के सूत्रों में प्रयोग हुआ है। तो प्रत्याहारों की सामान्य संख्या कितनी है? 42। सैद्धांतिक दृष्टि से कितनी है? 42। और व्यवहारिक दृष्टि से कितनी है? 44। अब एक चीज और समझिए कि मात्रा संज्ञा करने वाला मात्रा क्या है? मैंने आपको दो चीजें बताई थी, प्रत्येक स्वर और स्वरयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाता है। परिपूर्णता सार्थकता के आधार पर प्रत्येक स्वर और स्वरयुक्त व्यंजन को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णस्य उच्चारण काल है मात्रा,
किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो कालांश या समय लगता है उसको क्या कहते हैं? मात्रा। एक बार पलक झपकाने में या एक बार चुटकी बजाने में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा का कालांश या समय माना जाता है। तो मात्रा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? उ कालः अचः सुदीर्घ होता है। अचः एक प्रत्याहार है जिसमें स्वरवर्ण आते हैं आ ई ऊ री ऋ ए ओ ऐ औ आते हैं। हल भी एक प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार में व्यंजन वर्ण आते हैं जो माहेश्वर सूत्रों में उपलब्ध है। हाया बरल यमे गणन जबे गणत जबे गणत कपे चटत चटत कपे सस सस है। हल में हल प्रत्याहार में हकार को लिखा जाता है दो बार लेकिन गिना जाता है एक बार। अच्छा उ कालः अचः सुदीर्घ होता है। अब यहां तीन स्थिति है, देखो ये वाला जो ऊ है ये हृस्व दशा का प्रतीक है, ये वाला ऊ जो है ये दीर्घ दशा का प्रतीक है, और ये वाला जो ऊ है ये प्रुत दशा का प्रतीक है। क्योंकि जिस स्वरवर्ण की प्रुत दशा होगी उसके साथ हिंदी गणित का तीन अंक या तो उसके सिरोरेखा के समानांतर लगा दिया जाएगा या आगे लगा दिया जाएगा या उसके नीचे भी लगाया जा सकता है। तो अच प्रत्याहार के जितने भी स्वरवर्णों का उच्चारण उकार के समान होता है उनकी हृस्व दीर्घ और प्रुत संज्ञा हो जाती है। अगर एक मात्रा का समय लग रहा है तो हृस्व संज्ञा है, दो मात्रा का समय लग रहा है तो दीर्घ संज्ञा है, तीन मात्रा का समय लग रहा है तो प्रुत संज्ञा है। दूर से चीखने में चिल्लाने में पुकारने में रोने में गाने में जब किसी स्वर को लंबा खींचा जाएगा तो दूरा दूतेज सूत्र से उसकी प्रुत संज्ञा मानी जाएगी। एक चीज मैंने और बताई आपको कि जो प्रुत स्वर है उसके पश्चात अगर कोई स्वरवर्ण आएगा तो वहां संधि कार्य नहीं होता, वह प्रकृति भाव हो जाता है। प्रुत स्वर के बाद स्वर आने पर संधि नहीं होती। एक चीज और समझ लो, मैंने क्या कहा है कि जितने भी स्वरवर्ण है अच प्रत्याहार में, अच प्रत्याहार में स्वरवर्ण आते हैं और सवर्ण कितने हैं? चार, आ बड़ी ई बड़ा ऊ और बड़ी। इस तरह से 13 हो जाते हैं स्वर, कुल 9 अच हैं। 9 अचों में से जो प्रारंभिक चार हैं आ ई ऊ री, इन चारों स्वरों की हृस्व दशा भी होती है, दीर्घ दशा भी होती है, प्रुत दशा भी पाई जाती। लेकिन री की हृस्व और प्रुत दशा तो होती है लेकिन दीर्घ दशा नहीं होती, लौकिक व्याकरण। और एक चीज और बताई कि मैं आपको कि जो संधि स्वर के नाम से जाने जाते हैं या संधि अक्षर के नाम से जाने जाते हैं एच प्रत्याहार के मान ए ओ आई ओ, उनकी दीर्घ और प्रुत दशा तो होती है लेकिन हृस्व दशा नहीं होती। इसी कारण आकार के 18 भेद होते हैं, एकार के 18 भेद होते हैं, उकार के 18 भेद होते हैं, विकार के 18 भेद होते हैं, लेकिन लकार के 12 होते हैं, एकार के भी 12 होते हैं, उकार के भी 12 होते हैं, औकार के भी 12 होते हैं, और री और ऋ के संयुक्त भेद जो है वो 30-30 होते हैं। क्यों? क्योंकि ऋ ऋ वर्णयोः मिथः है सामान्य वाच्य वार्तिक के माध्यम से। वार्तिककार कहते हैं हृस्व ऋ का वैकल्पिक सवर्ण हृस्व ऋ को मान। ये मैंने आपको बताया था, बोलो क्लियर है? भाई क्लियर है? बता भाई पूजा क्लियर है? बता भाई वनीसा क्लियर है बात? बता भाई पटेल क्लियर है? अरे बता क्लियर सर। चलो ठीक है।